संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को अब तक मदद नहीं मिल पाई है। हम बात कर रहे हैं बैरब गावा गांव की, जहां राप्ती और रोहिणी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यह गांव नदियों के पानी से घिर गया है, जिसकी वजह से यह लोग अपना आशियाना सड़क के किनारे बनाए हुए हैं, लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। बीती रात मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसमें ग्रामीणों की राशन सामग्री सहित सब कुछ बारिश में बर्बाद हो गया। बाढ़ आया था, कोई मदद नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। भैया चार बच्चे हैं। भैया कब से यहाँ पर हैं आप? हम लोग कल से, परसों से हैं, तीन दिन हुआ था। कोई मदद नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हो रही है मन के चाउर चूरा सब भीग गया भैया, कोई मदद नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अब बाढ़ एरिया आया भैया, पूरा घर में पानी भर गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। का करल जा, सड़क पे बसे हुए हैं, का करल जा, कोई अन्निक पन्निक भी नहीं मिल रहा कि घेर घर ले जाए। बारिश भी आज रात में हुई है, बहुत तगड़ा हुआ भैया, बहुत तेज। हम लोग बैठ, बहुत दिक्कत है भैया, का करल जा, लेके बैठे थे हम लोग। कोई मदद नहीं मिल रहा अभी, कोई मदद नहीं मिल रहा भैया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जस्ट